हेलो बच्चा पार्टी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयदीप सर मैथ्स मेनिया इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड सेक्शन ए ऑफ गाला पेपर सेट थ्री ऑफ बेसिक मैथ्स नाउ इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल सी सेक्शन बी एज यू नो दैट इन सेक्शन बी ईच क्वेश्चन इज ऑफ टू मार्क्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोम सी यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना है बेटा जीरोस जीरोस एंड फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं स्प्लिटिंग मेथड बहुत ही सिंपल सा मेथड है तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो नाव इन स्प्लिटिंग मेथड व्हाट वी हैव टू डू लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट टर्म के को के साथ तो फोर थ्री ट्वेल्व नाउ हमें दो फैक्टर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो बेटा ट्वेल्व एंड एडिशन एंड सब्ट भी क्या होना चाहिए एक्स का जो को एफिशियंट है वो एक्स के पास में कुछ भी नहीं है मतलब वन तो यहां पे हमें पता है कि वो दो डिजिट क्या मिलेंगे हमें फोर एंड थ्री फोर माइनस थ्री होगा वन फोर थ्री ट्वेल्व ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्री एक्स स्क्वाइनस फोर एज इट इज इज इक्वल टू जीरो नाउ फोर के पास हम फोर को रखेंगे फॉर आवर इजीनेस अदरवाइज आप फोर और थ्री को आगे पीछे भी रख सकते हैं ठीक है ठीके? दूसरा फैक्टर क्या मिला हमें 3X. बात आती है है रखने की। तो हमें पता है कि मिडल टर्म का साइन हम किसे देते हैं बिगर डिजिट को नाउ हमें सोचना पड़ेगा कि माइनस फोर में मैं क्या करूं? तो प्लस करूंगा बिकॉज प्लस माइनस माइनस तो मुझे मिलेगा माइनस वन ठीक है नाउ मेक अ पेयर ऑफ टू टू टर्म्स तो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा बेटा थ्री एक्स अंदर क्या बचा एक्स प्लस वन हियर एक्स इज पॉजिटिव यहाँ पे ये है नेगेटिव तो आपको पता है कि जब भी ये दोनों के साइन ऑपोजिट हो तो हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा साइन में माइनस ठीक है नाउ ये दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है फोर अंदर क्या बचा एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो ठीक है? क्लियर है नाउ एक्स प्लस वन इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो ठीक है? तो चलिए एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो सो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और थ्री एक्स इज इक्वल टू क्या होगा ये फोर इस जाएगा तो प्लस फोर क्वल टू फोर बाई थ्री सो माइनस वन एंड फोर बाई थ्री आर दीरोल ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स में क्या बोला है फाइंड अ क्वाड्रेडिक पोलिनोमियल फॉर विच द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आर जीरो एंड रूट फाइव ठीक है तो हमें पता है कि हमारे पास इक्वेशन है सबसे पहले लिख लो सम क्या दिया है जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया है रूट फाइव ठीक है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है नाउ क्या इक्वेशन है मेरे पास तो के एक्सर माइनस प्लस एक्स प्लस आल्फा बीटा ठीक है वेर के इज नॉट इक्वल टू जीरो पहले लिख लो नाउ वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू इट इज सम ऑफ जीरो इट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो ठीक है तो चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं तो के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो क्या है मेरा जीरो इन एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है मेरा रूट फाइव तो यहां पे लिख लो रूट फाइव वेर के इज नॉट इक्वल टू जीरो सो बचा क्या के एक्स स्क्वायर जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में जीरो तो बचा क्या प्लस रूट फाइव वेर के इज नॉट इक्वल टू जीरो सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है बेटा बहुत ही सिंपल सा था ये तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज एक्सक्वायर प्लस रूट फाइव ठीक है क्या था हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्सक्वायर प्लस रूट फाइव चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन अगेन क्या बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अब भी हमने स्प्लिटिंग किया सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे फैक्टराइज करना है है ठीक के दो फैक्टर्स कैसे फाइंड करना है कि एडिशन या सब्रैक्शन आना चाहिए फाइव अगेन फैक्टर्स आर टू एंड थ्री बिकॉज टू थ्री झा सिक्स टू एंड थ्री क्या होगा फाइव ठीक है तो मेरे फैक्टर्स क्या मिले टू एंड थ्री नाउ अगेन मैं सेम चीज करूंगा टू के पास टू को रख लो थ्री के पास थ्री को रख लो ताकि कॉमन निकालने में, में मेरे लिए इजी हो जाए ठीक है नाउ ये वाला साइन किसे देना है मुझे बिगर डिजिट को तो बिगर डिजिट कौन सा है थ्री एक्स नाउ माइनस थ्री में मैं क्या करूँ कि माइनस फाइव मिलेगा तो मुझे पता है माइनस करना पड़ेगा बिकॉज माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस ठीक है चलिए टू एक्स को कॉमन ले लो तो x माइनस यहां ऐसे कुछ भी नहीं बचा वन नाउ एक्स प्लस ये opposite, ये माइनस साइंस आर ऑपोजिट ठीक है दो साइन अगर ऑपोजिट है तो मुझे माइनस कॉमन ले लेना है क्लियर है बेटा नाउ थ्री कॉमन ले लूंगा मैं दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज तो एक्स हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू जीरो ठीक है नाउ नेक्स्ट तो एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस वन दूसरे ब्रैकेट में आएगा टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो ठीक है नाउ x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो ठीक है चलिए देखते हैं x इज इक्वल टू वन और टू एक्स इज इक्वल टू थ्री सो एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू क्लियर है तो फैक्टर्स क्या मिले हमें रूट्स क्या मिले वन एंड थ्री बाई टू ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट फॉर अ गिवन ए पी ए इज इक्वल टू सेवन ए थर्टीन इज इक्वल टू थर्टी फाइव तो सबसे पहले जो डेटा दिया है वो मैं लिख लूँ ए इज इक्वल टू मुझे दिया है सेवन ए थर्टीन इज इक्वल टू मुझे दिया है थर्टी फाइव फाइंड डी सबसे पहले मुझे फाइंड करना है डी बहुत ही इजी है एंड देन आफ्टर एस थर्टीन ठीक है तो देखो कैसे फाइंड करेंगे हम तो एन को मैं क्या लिख सकता हूं ए प्लस ट्वेल्व डी इज इक्वल टू थर्टी फाइव ठीक है बहुत ही सिंपल सी चीज है नाउ एक ही जगह पे मैं क्या रखूंगा सेवन प्लस ट्वेल्व डी इज इक्वल टू थर्टी फाइव सो ट्वेल्व डी इज इक्वल टू क्या होगा थर्टी फाइव माइनस सेवन दैट इज ट्वेंटी एट सो डी इज इक्वल टू ट्वेंटी एट डिवाइड बाई ट्वेल्व फोर सेवन जा ट्वेंटी एट फोर थ्री ज़ा तो d क्या मिला मुझे सेवन बाई थ्री कॉमन डिफरेंस मिल गया ना वॉट आई हैव टू फाइंड एस थर्टीन ठीक है तो एस एन के मेरे पास दो फॉर्मूलाज है एक तो है एन बाई टू ए प्लस ए एन ठीक है और दूसरा है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो ये वाले क्वेश्चन में मैं कौन सा अप्लाई करूँगा ये क्यों ये वाला इजी है मेरे पास एस थर्टीन नहीं है वो फाइंड करना है बट ए थर्टीन मेरे पास है ठीक है तो एन की जगह पे क्या रख दूँगा मैं थर्टीन ठीक तो है तो चलिए एस थर्टीन फाइंड करते हैं तो सबसे पहले लिख लो एस एन इज इक्वल टू चलिए एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन नाव एस थर्टीन वी हैव टू फाइंड तो एन की जगह पे जहां कहीं पे मैं देखू एन मैं क्या रखूंगा थर्टीन तो एन को रखो थर्टीन डिवाइड बाई टू ए प्लस ए थर्टीन ठीक है नाउ थर्टीन एज इट इज डिवाइड बाई टू एज इट इज ए ए मेरे पास क्या है सेवन एंड एन मेरे पास क्या है थर्टी फाइव तो यहां पे लिख लो थर्टी फाइव सो थर्टीन डिवाइड बाय टू थर्टी फाइव प्लस सेवन फोर्टी टू इट इज ट्वेंटी वन तो थर्टीन एंड ट्वेंटी वन को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें क्या मिलेगा हमारा आंसर ठीक है

बट कहाँ से फ्रॉम दी लास्ट क्लियर है तो यहाँ पे मैं एक चीज कर सकता हूँ कि मेरे पास लास्ट टर्म है अगर मैं ये सिकवेंस को उल्टा कर दूँ ठीक है ये सिक्वेंस को क्या कर दूँ रिवर्स कर दूँ तो ये मेरा जो लास्ट टर्म है वो मेरा क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म ठीक है और जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो मेरा क्या हो जाएगा लास्ट टर्म ठीक है तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा क्या कि डिफरेंस कितने का है तो देखो यहां पे डिफरेंस कितने का है बेटा फाई फाई का तो तो के आगे वाला जो होगा होगा वो क्या 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 ठीक है तो common difference क्या रहता है रहता कर दिया मैंने सिक्वेंस को उल्टा कर दिया रिवर्स कर दिया ठीक है ना वॉट आई है ट्वेंटी क्योंकि जो पहले लास्ट टर्म था वो अभी क्या हो गया आगे से ट्वेंटी टर्म ठीक है तो देखो ए क्या है मेरा 253 फिफ्टी थ्री डी क्या है मेरा 248 फोर्टी एट माइनस टू फिफ्टी थ्री दर्ट इज माइनस फाइव एंड ट्वेंटी तो ए ट्वेंटी को क्या लिख सकता हूं मैं ए प्लस नाइनटीन डी ठीक है और ए क्या है मेरा 253 फिफ्टी थ्री प्लस नाइनटीन इंटू माइनस फाइव तो टू फिफ्टी थ्री माइनस नाइनटीन फाइवीन माइनस फाइव एट फोर माइनस नाइन फाइव तो ट्वेंटी फ्रॉम लास्ट क्या होगा वन फिफ्टी एट ठीक है तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था सिर्फ हमें क्या करना था सिक्वेंस को रिवर्स कर देना था तो वो जो लास्ट से ट्वेंटी टर्म था वो क्या हो गया फर्स्ट से ट्वेंटी टर्म ठीक है क्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट टू माइनस थ्री एंड क्यू ऑफ टेन वाईज यूनिट देखिए ये क्वेश्चन में आपको पहले से ही डिस्टेंस दे दिया है कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री ठीक है यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स के बीच का पहले से ही डिस्टेंस दे दिया है हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है Y कोऑर्डिनेट, ठीक है तो चलिए देखते हैं हम पॉइंट P पी 3, माइनस थ्री दैट इज टेन y, और ये दोनों के बीच का यूनिट डिस्टेंस क्या है टेन यूनिट जब भी बात हो डिस्टेंस की तो हमारे पास एक ही चीज है डिस्टेंस फॉर्मूला वो ही अप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या होगा पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्योंकि स्क्वायर रूट से बेटर क्या है स्क्वायर ठीक है तो एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर ठीक है नाउ पिक्यू क्या है डिस्टेंस क्या है बेटा टेन तो टेन का स्क्वायर टू माइनस टेन दट इज माइनस एट का स्क्वायर नाउ ये दोनों में अगर मुझे माइनस नहीं चाहिए तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं थ्री प्लस वाई का होल स्क्वायर और मुझे पता है कि नेगेटिव वैल्यू को इवन पावर क्या बना देता है पॉजिटिव तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव ठीक है नाउ देखिए टेन का स्क्वायर क्या हो गया हंड्रेड माइनस एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर यहां पे क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी टू थ्री सा सिक्स वाई प्लस बी स्क्वायर दट इज वाई स्क्वायर क्या अप्लाई किया मैंने ए प्लस बी होलिटी ठीक है नाउ सिंपलीफाई करेंगे तो देखो वाई स्क्वायर एज इट इज सिक्स वाई एज इट इज सिक्सटी फोर प्लस नाइन दट इज सेवेंटी थ्री और ये हंड्रेड को मैं इस साइड लेके आऊंगा तो हंड्रेड क्या हो जाएगा नेगेटिव so it become minus so y square plus 6y minus 27 is equal to 0 ठीक है now it is a quadratic equation मुझे find करनी है y की value तो क्या करना पड़ेगा splitting वो तो अभी आपको सबको बहुत ही अच्छे से आता है ठीक है तो देखो कैसे करेंगे लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट के साथ तो क्या होगा ट्वेंटी सेवन वन दो फैक्टर्स कैसे फाइंड करना है मुझे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा माइनस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू जीरो नाउ मिडल टर्म का साइन हम किसे देते हैं बिगर डिजिट इट को तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस ठीक है मेक ऑफ टू टू मन वाई प्लस नाइन ये और ये साइन ऑपोजिट है तो कॉमन क्या निकालूंगा मैं माइनस गुड नाउ थ्री नाइनजा ट्वेंटी सेवन कॉमन क्या निकलेगा थ्री एंड जब भी माइनस बाहर निकलता है अंदर के साइन क्या हो जाते हैं चेंज तो यहां पे हो जाएगा वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो Now, y plus nine is in one bracket, y minus three is in another bracket. ठीक तो है तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं Five plus nine is equal to zero. Y minus three is equal to zero. So y is equal to क्या हो गया Minus nine and y is equal to यहाँ पे क्या हो गया Plus three. ठीक है तो y की दो वैल्यूज मिली which are minus nine and ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 इफ 1 2 4y x6 एंड 35 आर द वर्टेसेस ऑफ किसके वर्टेसेस है ये पैलोग्राम के तो हमें फाइंड करना है x एंड y की वैल्यू ठीक है ये जो दो वर्टेक्स है उसके अंदर x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें यहां पे बोला है कि ये जो वर्टेक्स है वो किसका है पैलोग्राम के ठीक है तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए पैलोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा था बेटा कि पैलोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं क्या होता है पैलोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है डायागोनल के दो इक्वल पार्ट्स होना ठीक है दो इक्वल पार्ट्स होना इसका मतलब जब भी बात आए पैलोग्राम की तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ डायागोनल ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायागोनल बी डी वाई बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैलोग्राम आर अदर मतलब ये और ये डिस्टेंस इक्वल होगा ये और ये डिस्टेंस इक्वल होगा तो ये क्या हुआ मिड पॉइंट ठीक है नाउ मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू तो अगर मैं बात करूं ए एंड सी की ठीक है मैं किसकी बात करूं ए एंड सी की तो इट इज एक्स वन इट इज एक्स टू तो यहां पे होगा वन प्लस एक्स डिवाइड बाई टू वाई वन प्लस वाई टू टू प्लस सिक्स डिवाइड बाई टू सेम फॉर बी डी फोर प्लस थ्री डिवाइड बाई टू वाई प्लस फाइव डिवाइड बाई टू सो वन प्लस एक्स डिवाइड बाई टू टू प्लस सिक्स एट डिवाइड बाई टू सेवन डिवाइड बाई टू वाई प्लस फाइव डिवाइड बाई टू ठीक है एक्स X X के साथ कंपैरिजन वाई की वाई के साथ कंपैरिजन ठीक है तो ये क्या होगा एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव डिवाइड बाई टू 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 कैंसिल आउट ठीक है नाउ क्या बचा तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सेवन यहाँ पे क्या बचा ठीक ठीक है, है, so, क्या क्या होगा 6. Y is equal to, क्या होगा 3. तो हमें जो find करनी थी X and y की चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फिगर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे बात हो रही है राइट right एंगल की कहाँ पे है राइट एंगल बी पे तो ए बना लिया नाउ ए क्या है मेरे पास 24 फोर क्या है मेरे पास 7 सेंटीमीटर ठीक है हमें क्या फाइंड करना है साइन सी एंड टेन सी तो मुझे ये पता होना चाहिए कि साइन सी का ये है मेरे पास सी साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है साइन का फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो ठीक है ुलर अपॉन हाइपो तो सी के लिए जो परपेंडिकुलर आप ऐसे भी बोल सकते हो ऑपोजिट अपॉन हाइपो तो सी के लिए ऑपोजिट साइड क्या होगी ए बीट वी है लॉन्गेस्ट साइड दट इज ए सी बट ए सी मेरे पास नहीं है तो ए सी कैसे फाइन करूंगा तो बात आए जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की तो मेरे पास एक थियरम है दट इज पाइथागोरस थियरम तो यहां पे हम क्या अप्लाई करेंगे इन इंट्राइंगल एबीसी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा पाइथागोरस तो एबी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर ठीक है नाव एबी ट्वेंटी फोर स्क्वायर प्लस ियन ट्रिपलेट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी नाव वी है सकते हैं साइन सी का फॉर्मूला क्या बना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो दैट इज ट्वेंटी फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव नाव टेनसी टेनसी का फॉर्मूला क्या है परपेंडिक्युलर अपॉन बेस ठीक है तो परपेंडिक्युलर अपॉन बेस के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है ए बी ठीक है और बेस तो सी जहां पे बैठा होता है वो उसका बेस होता है तो ये क्या ट्वेंटी फोर अपॉन सेवन सो आई गॉट बोथ द वैल्यूज़ ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री इवेल्यू इट इज फ्रॉम एक्सरसाइज एट पॉइंट टू और जब भी ऐसे वैल्यूज देखे एंगल देखे तो हमारे पास वो टेबल वाली वैल्यूज होनी चाहिए ठीक है तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम 5, 60 की वैल्यू क्या है 1 बाई 2, तो 5, 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस फोर सेक थर्टी की वैल्यू क्या है बेटा सेक थर्टी की वैल्यू है टू अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर Now, 10 square 45. की value है है? है ठीक क्या होता है, बेटा? One. जब भी भी हो तो directly भी आप यहाँ पे वन लिख सकते हो बट ये एंगल क्या होने चाहिए इक्वल बट हम क्या करेंगे बाय फॉर्मुला ही जाएंगे साइन थर्टी की वैल्यू हमें पता है कि वन बाय टू का स्क्वायर होती है देखो यहाँ पे भी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या बनेगा वन ही बनेगा एंड कॉस थर्टी की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू ठीक है अदरवाइज आप बाय फॉर्मूला ये वन भी लिख सकते हो ठीक है चलिए सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइव का स्क्वायर वन बाई फोर प्लस फोर स्क्वायर इसे भी मिलेगा इसे भी मिलेगा टू का स्क्वायर फोर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होता है स्क्वायर स्क्वायर रूट कट ठीक है नाउ माइनस वन का स्क्वायर वन अपॉन नीचे वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर बिकॉज रूट थ्री का स्क्वायर थ्री टू का स्क्वायर फोर ठीक है चलिए नाउ फाइव बाई फोर प्लस फोर फोर सिक्सटीन बाई थ्री माइनस वन नीचे डिनोमिनेटर सेम तो वन प्लस थ्री डिवाइड बाई फोर ठीक है नाउ देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फोर एंड थ्री का एल वो तो फोर एंड थ्री का एलसीएम क्या होता है ट्वेल्व तो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए जो LCM हो वो that is 12. तो यहां पे लाने के लिए मुझे 5 by 4 को थ्री से मल्टीप्लाई थ्री से डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है यहां पे भी मुझे क्या लाना है बेटा ट्वेल्व तो मुझे क्या करना पड़ेगा सिक्सटीन बाई थ्री को फोर से मल्टीप्लाई फोर से डिवाइड वन कुछ भी नहीं है यहां पे ट्वेल्व लाने के लिए ट्वेल्व से मल्टीप्लाई ट्वेल्व से डिवाइड ठीक है नाउ थ्री प्लस वन फोर फोर डिवाइड बाई फोर क्या होगा वन इसे लिखो ना लिखो फर्क पड़ेगा नहीं ठीक है चलिए लास्ट सिंप्लीफिकेशन फाइव थ्रीजा फिफ्टीन अपॉन ट्वेल्व प्लस सिक्सटी फोर अपॉन ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व अपॉन ट्वेल्व ठीक है ठीक है। तो डिड बाई ट बट यहां पे क्या है ये वैल्यूज आपको पता होने चाहिए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर पोल स्टैंड इरेक्ट ऑन दी ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दी ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ दी पोल सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पोल बना दिया ठीक है ये है ग्राउंड पोल्स के बेस से कितना दूर जाना है मुझे 20 मीटर अवे एक पॉइंट है ठीक है अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है आप नीचे खड़े हो और नीचे से कोई चीज ऊपर देख रहे हो और यहाँ पे जो एंगल बनता है ये क्या मिला है? 60 डिग्री ठीक है पोल तो यहाँ पे हाइट ऑफ द पोल क्या है ए बी एच हैव टू फाइंड ठीक है और रूट थ्री की वैल्यू दी हुई है हमें वन पॉइंट सेवेंटी थ्री तो यहाँ पे मुझे पता है कि अगर मेरे पास एक एंगल है मेरे पास एक साइड है सो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आई कैन इजीली फाइंड अनदर साइड मेरे पास क्या है वो मुझे चेक कर रहा है तो सी के लिए मेरे पास एंगल है और सी के लिए मेरे पास बेस है तो अगर मैं टेन सिक्सटी का इक्वेशन अप्लाई करूँ तो मुझे ए बी मिल जाएगा ठीक है तो यहां पे सबसे पहले लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ पोल ठीक है एंड बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड बेस ऑफ पोल ठीक है तो चलिए इन ट्राइंगल ए बी सी क्या अप्लाई करेंगे हम टेन सिक्सटी क्यों मैंने टेन लिया क्योंकि मेरे पास बेस था और परपेंडिकुलर फाइंड करना था ठीक है तो परपेंडिकुलर क्या है ए बी बेस क्या है बीसी टेन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री ए बी एच है बी सी ट्वेंटी है ठीक है तो ये ट्वेंटी कहां पे जाएगा मल्टीप्लीकेशन में So, H is equal टू ट्वेंटी रूट थ्री सो ट्वेंटी ठीक है मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं जीरो जीरो टू फाइव टेन फाइव थ्री झा फिफ्टीन टू फाइव फोर झा ट्वेंटी ठीक है यहाँ पे देखो वन सेवेंटी थ्री डिवाइड बाई फाइव फाइव थ्री फिफ्टीन फाइव फोर ट्वेंटी थर्टी फोर पॉइंट सिक्स मीटर तो हाइट ऑफ द पोल क्या है बेटा थर्टी फोर पॉइंट सिक्स मीटर और यहाँ पे यूनिट लिखना कंपलसरी है अदरवाइज हाफ मार्क विल बी कट ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाई स्कूपिंग आउट अ अमिस्फियर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर सिलेंडर के दोनों एंड पे से हमने क्या किया है स्कूपिंग आउट किया है दो हेमिस्फीयर को ठीक है इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज टेन सेंटीमीटर यहां पे हाइट क्या दी हुई है मुझे टेन सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस थ्री पॉइंट फाइव मीटर और हमें सिलेंडर की रेडियस क्या दी हुई है थ्री पॉइंट फाइव एंड फ्रॉम फिगर वी कैन इजिली से कि जो सिलेंडर की रेडियस है वो ही सेम रेडियस किसकी है बेटा हेमिस्फीयर की ठीक है तो यहाँ पे हम लिखते हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी आर्टिकल ठीक है article, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लू डेटा क्योंकि एरिया सरफेस की बात आए ठीक है तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा डेटा लिखना तो आर इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू तो, क्या है हाइट क्या है मेरा टेन सेंटीमीटर तो देखो डेटा लिखने से क्या बेनिफिट हुआ मुझे एक चीज दी है मीटर में और एक चीज दी है सेंटीमीटर में तो सबसे पहले तो मेरे यूनिट सेम होने चाहिए ठीक है नाउ यहां पे लिख लू मैं फॉर हेमिस्फीयर अगेन रेडियस क्या है मेरी थ्री पॉइंट फाइव मीटर ठीक है क्लियर है नाउ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो टेन डिवाइड बाई हंड्रेड तो जीरो पॉइंट वन मीटर नाम यूनिट सेम हो गए बनाना है मुझे इक्वेशन तो एरिया ऑफ आर्टिकल चलिए आर्टिकल कितनी चीजों से बना हुआ है पहले तो यह पता होना चाहिए तो सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस टू मल्टीप्लाई सी एस ए ऑफ हैमिस्फियर ठीक है सिलेंडर और दो हेमिसफियर से बना हुआ है नाउ टू पाई आर एच प्लस टू मल्टीप्लाई टू पाई आर स्क्वायर सो टू पाई आर एच प्लस टू टू सा फोर पाई आर स्क्वायर अगर मैं टू पाई आर को कॉमन निकाल दूं तो अंदर क्या बचेगा एच प्लस टू आर ठीक है टू पाई आर कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचा एच प्लस टू आर नाउ पुड वैल्यू पाई की वैल्यू नहीं दी है तो हम क्या लेते हैं ट्वेंटी टू बाई सेवन रेडियस क्या है थर्टी फाइव बाई टेन इन टू हाइट क्या है जीरो पॉइंट वन प्लस टू इंटू थ्री पॉइंट फाइव दैट इज सेवन ठीक है क्लियर है नाउ सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव फाइव टू जा टेन टू टू कट तो बचा क्या ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई सेवन पॉइंट वन ठीक है तो इजीली यू कैन मल्टीप्लाई इट और यहाँ पे कौन सा यूनिट आएगा बेटा मीटर स्क्वायर क्योंकि हमने सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया था मीटर में ठीक है तो आपको क्या करना है ट्वेंटी टू को सेवन पॉइंट वन के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर जो आता है वो फाइनली लिख लेना है ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स द लार्जेस्ट स्फीयर इज काउड आउट ऑफ अ क्यूब ऑफ द साइड सेवन सेंटीमीटर एक क्यूब है और क्यूब में से क्यूब की साइड क्या है बेटा सेवन सेंटीमीटर हमें बोला है इसमें से हमें क्या करना है लार्जेस्ट स्फीयर को काउड आउट करना है तो ये जो क्यूब की साइड की जो लेंथ है वो स्फीयर के लिए क्या हो जाएगी स्फीयर का क्या हो जाएगा बेटा डायामीटर तो जो रेडियस ऑफ़ स्फीयर होगा जो रेडियस ऑफ स्फीयर होगा वो क्या होगा सेवन बाई टू ठीक है तो दैट इज थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर कैसे किया मैंने ये फिर से समझो ये क्यूब है उसमें से मैं लार्जेस्ट फियर को काउड आउट कर रहा हूं ठीक है लार्जेस्ट मतलब इसकी जो साइड है वो क्या हो जाएगा इसका डायामीटर और डायामीटर अगर सेवन है तो रेडियस क्या हो जाएगी बेटा थ्री पॉइंट फाइव हमें क्या फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो मुझे पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का इक्वेशन क्या है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का इक्वेशन है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब सो फोर बाई थ्री पाइक की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन यहाँ पर क्या होगा थर्टी फाइव बाई टेन मल्टीप्लाई थर्टी फाइव बाई टेन मल्टीप्लाई थर्टी फाइव बाई टेन ठीक है ना सेवन फाइव थर्टी फाइव फाइव टू जा टेन टू टू ज फोर ठीक है बचा क्या ऊपर एटी एट मल्टीप्लाई

जीरो नाइन वन ज़ा नाइन फोर वन ज़ा फोर नाइन वन ज़ा नाइन फोर वन जा फोर नाइन फाइव थ्री नाइन ठीक है नाउ फाइव थ्री नाइन डिवाइड बाय क्या करना है मुझे थ्री थ्री वन ज़ा थ्री थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन थ्री नाइन ज़ा ट्वेंटी सेवन थ्री सिक्स जा एटीन आके ये कंटिन्यू सी रहेगा तो इसे क्या लिख सकते हैं हम वन सेवेंटी नाइन पॉइंट 67 वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब ठीक है क्या आएगा यूनिट बेटा 179.67 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल नोटेशन एल आपको दिया है 125 एन आपको दिया है 68 सी एफ आपको दिया है ट्वेंटी टू सारे के सारे डेटास दिए हैं। वी हैव टू जस्ट फाइंड मीडियन तो मीडियन का फॉर्मूला हमें पता है एम इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच एल क्या है हमारा वन ट्वेंटी फाइव प्लस एन बाई टू तो सिक्सटी एट डिवाइड बाई टू दैट इज थर्टी फोर माइनस एफ 20 अपॉन एफ सॉरी सी एफ क्या है बेटा मेरा ट्वेंटी टू तो यहां पे क्या आएगा ट्वेंटी टू फ्रीक्वेंसी क्या है मेरी ट्वेंटी एंड क्लास लेंथ इज आल्सो ट्वेंटी तो हमें पता है ट्वेंटी ट्वेंटी कट वन ट्वेंटी फाइव प्लस फोर माइनस टू टू थ्री माइनस टू वन तो इट इज वन थर्टी सेवन तो मीडियन क्या आया मेरा वन थर्टी सेवन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था तो so इसी के साथ बेटा आपका पेपर थ्री का सेक्शन बी आज कंप्लीट हुआ इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी सेक्शन सी ऑफ गाला पेपर सेट थ्री थैंक यू स्टूडेंट्स